हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके पास हूँ वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की वीडियो के साथ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार कर दी है, देख सकते हैं आप। आपने टाइप करना है वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, आप द वर्ड बैंक की साइट पे आ जाएंगे। ये साइट मैंने आपके लिए खोल के रखी है। ये क्या है? अब ये WDR क्या है? ये एक एनुअल रिपोर्ट है। हर साल वर्ल्ड बैंक एक एनुअल रिपोर्ट इशू करता है डेवलपमेंट के ऊपर, तो हर साल इस रिपोर्ट का एक थीम है। प्रीवियस ईयर में हमारे पास यही क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या हर साल की रिपोर्ट का क्या थीम था और वो रिपोर्ट कब आई थी। अब आप देखिए, मैं आपको हर साल की रिपोर्ट का थीम यहाँ पे समझा देती हूँ। अब WDR 2020 का थीम है ग्लोबल वैल्यू चेंज, और WDR देखिए 2019 का थीम था द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। इसमें इन्होंने देखा था कि वर्क का जो नेचर है चेंज हो रहा है। यहाँ पे मतलब रोबोट्स हैं, वो सबकी जॉब ले लेंगे लोगों की, ये डोमिनेट करेंगे वर्ल्ड को, इस बारे में रिपोर्ट थी। WDR 2018 हमें बताता है लर्निंग टू रियलाइज एजुकेशन प्रोमिस। पहली बार इन्होंने ये एजुकेशन को थीम लिया था इस रिपोर्ट में, और उन्होंने 4 थीम्स इस पे डिस्कस किए थे। देखिए, एजुकेशनल 4 थीम्स इन्होंने यहाँ पे लिए थे। ये है एजुकेशन, एजुकेशन प्रॉमिस, द नीड टू शाइन अ लाइट, हाउ टू मेक स्कूल्स वर्क फॉर लर्नर, हाउ टू मेक सिस्टम फॉर लर्निंग। ठीक है, तो ये 2018 का था एजुकेशन के बेस पे। नाउ 2017 में इन्होंने लिया गवर्नेंस एंड लॉ, 2016 है डिजिटल डिविडेंड्स, 2015 है माइंड सोसाइटी एंड बिहेवियर। इसमें इन्होंने स्टडी किया, देखिए, शोज हाउ अ रिचर व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन हेल्प अचीव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है विद ह्यूमन बिहेवियर। 2014 रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, 2013 जॉब्स, 2012 जेंडर इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट। इसमें इस रिपोर्ट में क्या किया था इन्होंने, द फाइंड्स दैट वेमेंस लाइफ अराउंड द वर्ल्ड हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली बट गैप्स रिमेन इन मैनी एरियाज। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी। देन कन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट 2010 की है, डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पर था। 2009 री शेपिंग इकनॉमिक जियोग्राफी, 2008 एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, 2007 डेवलपमेंट एंड द नेक्स्ट जनरेशन, 2006 इक्विटी एंड डेवलपमेंट। ये मेन मेन रिपोर्ट्स हैं। आप ना एक बार आपको बस ये सबका इनका रीड करना है कि उनका थीम क्या था, और जो क्वेश्चन आया वो इन्हीं थीम्स के बेस पे आया है। ठीक है, और अब मैं आपको वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बता देते हैं कि क्या था। ये देखिए, आप यहाँ पे आए, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि क्या है। देखिए, 189 मेंबर्स हैं इसमें, 189 मेंबर्स हैं, और क्या मिशन है? इनका क्या मिशन है? देखिए, टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी और टू प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। इसके बारे में ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आप लर्न कर लीजिए। ये एक ग्रुप है, इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, IBR, IDA, IFC, MIGA, ICSID। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसका फुल फॉर्म क्या है। द इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, बी से बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एंड देन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये आगे आपको इसके बारे में बताया, पार्टनरिंग विद गवर्नमेंट्स। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है, ये फाइनेंस पॉलिसी एडवाइस टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं गवर्नमेंट को, ये सब इनके काम है। ठीक है, और ये आ गया अपना जो मेन टॉपिक था, वर्ल्ड बैंक एनुअल रिपोर्ट्स। इसके बारे में जाके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बहुत है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट है, कौन इसे बनाता है, कहाँ इनका ऑफिस है, इनका ऑफिस वॉशिंगटन में है हेडक्वार्टर, और रिपोर्ट के थीम क्या हैं, इतना सा ये आपको लर्न करके जाना है। आज की वीडियो ये इतनी है।